इस बात में कोई शक नहीं कि इन दिनों कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद हो रही है। कोरोना काल में वैक्सीन की क्या वैल्यू है यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां मेडिकल टीम वैक्सीन के लिए पहुंचती है और लोग आगे आगे दौड़ते हैं। कई जगहों पर तो वैक्सीन के लिए कुछ लुभावने पैकेज भी घोषित किए गए हैं, लेकिन आज एक ऐसी कहानी आपसे शेयर होगी जिसे जानकर आपको ये लगेगा कि वैक्सीनेशन के लिए कोई कितना पागल हो सकता है। सिस्टम को धोखा देने के लिए कोई उम्र आड़े नहीं आती है, ना ही कोई विवेक काम करता है। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ, एक गुजारिश भी करती हूँ आपसे, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और कंटेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक और बात, एक व्यक्ति के लिए दो डोज अभी तक निर्धारित हैं, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए कोई कितनी बार वैक्सीन लगा सकता है? ये सवाल आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन उससे भी दिलचस्प है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन की तय डोज से ज्यादा लगवाने को लेकर के जो किस्सा आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ उसने न सिर्फ सिस्टम पे सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी बता दिया है कि धोखाधड़ी करने के लिए उम्र, जगह और वक्त की कोई पाबंदी नहीं, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। ये किस्सा मधेपुरा के रहने वाले एक बुजुर्ग वार का है जो किसी नटवरलाल से कम नहीं है, जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, पूरे 12 बार कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वो तो कोरोना वैक्सीन को दर्जन भर लगाने का एक अनोखा रिकॉर्ड बना करके अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी किस्मत ने धोखा दे दिया और उन्हें रंगे हाथों दबोच ले दिया। तय नियमों के मुताबिक हर बालिग व्यक्ति को 2 खुराक लगानी है, जबकि अब तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन लगवाने का अभियान बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन यहाँ भी खुराक की संख्या 2 ही रहने वाली है। तीसरी खुराक के बारे में यह है कि जैसे ही बूस्टर डोज के लिए हरी झंडी मिलेगी तो एक और टीका सभी को लगाने की मुहिम छेड़ी जाएगी। मगर आप ये देखिए, मधेपुरा के रहने वाले 84 वर्ष के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल का किस्सा एकदम अनोखा है। उन्होंने एक के बाद एक पूरी 11 डोज लगवाई। यही नहीं, अपनी इस करतूत के लिए ब्रह्मदेव जी ने अपने ही नाम के राशि वाले भगवान जी यानी कि ब्रह्मा जी का वरदान की आड़ लेने की भी कोशिश की और 12वीं खुराक लेने के लिए वो सेंटर पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। ब्रह्मा जी की इस करतूत को सुनने के बाद ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर कोई इंसान इतनी डोज क्यों लगवा रहा है, जबकि कायदे से उन्हें केवल 2 खुराक से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। और इससे भी बड़ा सवाल ये है जो हैरान करता है कि लोग एक वैक्सीन लगवाने के लिए डर रहे थे, इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये 11 डोज लगवा बैठे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। बकौल ब्रह्मदेव जी, 11 बार वैक्सीन लगवा करके उन्होंने न सिर्फ कोरोना के खिलाफ अपने लिए एक कवच तैयार कर लिया, बल्कि कई दूसरी असाध्य बीमारियों से लड़ने के लिए भी एक हथियार हासिल कर लिया। दोस्तों, ये चीज बहुत ही काबिले गौर है कि उन्होंने किन किन बीमारियों से लड़ने के लिए इस वैक्सीन को हथियार बनाया। डाक विभाग से रिटायर्ड ब्रह्मदेव ने कब और कैसे वैक्सीन लगवाई इसका पूरा रिकॉर्ड सामने आ चुका है, और ब्रह्मदेव को भी बाकायदा याद है कि उन्होंने पहली खुराक जो है 13 फरवरी को लगवाई थी, इसके बाद अगले महीने यानी कि 13 मार्च को फिर से, 19 मई को फिर से, 16 जून को फिर और 24 जुलाई को फिर और 31 अगस्त को फिर से और 11 सितंबर, 22 सितंबर और 24 सितंबर यानी कि सितंबर के महीने में उन्होंने 3 डोज लगवाई। 10वीं खुराक लगाने के लिए ब्रह्मदेव जी मधेपुरा से खगड़िया चले गए और वहां पे परबता सेंटर पर जाकर के उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, जबकि 11वीं डोज उन्होंने भागलपुर के कहलगांव में 30 दिसंबर को लगवाई और 12वीं डोज के लिए ब्रह्मदेव जी बीते मंगलवार को चौसा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जा पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही उनकी
बदनसीबी वहां पहुंच चुकी थी, लिहाजा कानून ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। अब एक सवाल आपके जहन में जरूर कौंध रहा होगा कि ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए ब्रह्मदेव ने कानून को भी ठेंगा दिखाया, वो भी इस उम्र में, 84 साल की उम्र में। ये उम्र ऐसी नहीं होती कि किसी के साथ धोखाधड़ी की जाए। असल में ब्रह्मदेव जी पिछले कई सालों से बढ़ती उम्र के कारण अपने घुटने के दर्द से परेशान थे, जिसका उन्होंने काफी इलाज करवाया मगर उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। 13 फरवरी को उन्होंने कोरोना की पहली खुराक ली तो उन्हें घुटने के दर्द में काफी आराम महसूस हुआ, और अगले ही महीने उन्होंने जब दूसरी खुराक लगवा ली तो ये दर्द बिल्कुल कम हो गया। बस फिर क्या था, उन्हें समझ में आ गया कि वैक्सीन जो है कोरोना से बचाव तो करे या ना करे, लेकिन उनके पुराने, बरसों पुराने दर्द से जो है उन्हें छुटकारा दिलवा दिया है इस वैक्सीन ने। लिहाजा उन्होंने अपने लिए वैक्सीन का जुगाड़ करना शुरू कर दिया, और इस काम में उनको रास्ता दिखाया उस भ्रष्टाचार ने, जिसकी आड़ में लोग फर्जी दस्तावेज जब चाहते हैं तैयार करवा लेते हैं। ब्रह्मदेव जी कभी पकड़े नहीं जाते अगर वो बहुत ज्यादा बोलने वाले बड़बोले ना होते, क्योंकि उन्होंने शेकी बघारते हुए अपने बारे में ये बात जमाने को बता दी कि वो 11 बार वैक्सीन लगवा चुके हैं, और 12वीं बार जब वो लगवाने जा रहे थे तो उनकी पोलपट्टी वहीं पे सेंटर पे खुल जाती है। कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक ब्रह्मदेव ने ये गुनाह कर दिया, लेकिन अब उनका किस्सा सामने आने के बाद हेल्थ ऑफिसर्स को लेकर के काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिर ब्रह्मदेव पे जो कार्रवाई होगी सो होगी, लेकिन इसके साथ तमाम आला अफसर जो है वो भी पसीने से तरबतर हैं, क्योंकि ये तय है कि इस मामले में जांच भी होगी और उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो रही है, और उस रिपोर्ट में उनकी बेईमानी का किस्सा भी दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे रिकॉर्ड बनाने यानी कि इस तरीके से वैक्सीन करवाना खतरनाक भी है, जुर्म भी है। क्या कहते हैं आप मुझे अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना जो है एक नए अवतार में लोगों के बीच में घूम रहा है, किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। इसको हल्के से ना लें और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।